सब इनके साथ हैं, देश की सत्ता को छोड़ करके सब इन बच्चों के साथ हैं। देश में लोगों की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार की आ रही है कि एक साल पहले पहलवान मोदी जी से मिले थे, तब उन्होंने अपनी ये बात क्यों नहीं रखी उनके समक्ष? अब जब मेरे साथ एक साल बाद शोषण हुआ है तो मैं एक साल पहले कैसे बता देता? पहलवानों ने बोला है कई सालों से शोषण हो रहा है महिलाओं। हर बेटी अपनी आबरू को बचाने के लिए चुप रहती है, और जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तब कोई बेटी बोलती है। ये आप भी बेटी हैं, अपने ऊपर डाल करके देखो कब बोलोगे। तो ध्यान रखो कि बेटियों के लिए अगर इनके लिए कोई भी गलत बोलता है तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति होगा। तब कहा जा रहा है कि हरियाणा के लोग ही यहाँ पे आए हैं और केवल हरियाणा के रेसलर्स ने आरोप लगाया, बाकी किसी राज्य को पहलवानों को समस्या नहीं है ब्रजभूषण से। बांट दो, ये हरियाणा के पहलवान हैं, ये भारत के पहलवान हैं। कौन कहता है हरियाणा के पहलवान हैं? जो कहता है वो गद्दार है। ये भारत की आन बान और शान है। जब ये तिरंगा लेने के लेकर के आए थे तब क्या थे? जिस दिन इन्होंने मेडल जीता था तब क्या थे? तब क्यों नहीं कहा कि ये हरियाणा के पहलवान लेके आए हैं? तब क्यों कहा कि भारत के पहलवान हैं? जब इन्होंने मेडल लिया था तो वहाँ हरियाणा का झंडा था इनके हाथ में या भारत का झंडा था? भारतीय झंडा था, तो भारत के पहलवान है। दूसरे सरस सिंह कह रहे हैं कि ये आरोप गलत है और कांग्रेस जो है कांग्रेस की शादी से कांग्रेस करा रही है। अपराधी कभी नहीं कहता कि मैंने अपराध किया। मैं कह रहा हूं अगर ये आरोप गलत है, इन बच्चों ने क्या कहा था? FIR दर्ज करो, जांच करो और जांच निष्पक्ष कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लो, पता चल जाएगा। CBI जांच हो जाए। CBI में कोई दम नहीं, CBI तोता है, उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करा ले अपने आप, उनके ऊपर छोड़ दो, वो कराएंगे जांच, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अभी जिंदा है। धरने को एक राजनीतिक मंच के रूप में भी देखा जा रहा है। किसको? पहलवानों को। देखिए किसका चश्मा किस रूप में देखता है ये मुझे पता नहीं। मैं देखता हूँ भारत की बेटियों के साथ दुराचार हुआ है और भारत की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, और जो इसे गलत राजनीतिक चश्मे से देखता है वो अपनी बेटियों के साथ दुराचार करा लेना। विनेश फोगाट की सगी बहन बबीता फोगाट और नेता वो अभी तक यहाँ पे समर्थन, अगर वो एक नहीं आई, अगर एक बेटी किसी कारण से नहीं आई तो क्या सारी बेटियों को भट्टी में झोंक दो? वो भी रेस्लर रह चुकी है। अब नहीं आई तो मैं क्या करूं? ये तो वो बता सकती है कि वो क्यों नहीं आई, ये तो वो बता सकती है। उसके मन की बात, मेरे मन की बात आप नहीं बता सकते, इनके मन की बात मैं नहीं बता सकता, यही बताएंगे। तो ये सवाल आप उनसे करें कि वो इन बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ी, उसकी बहन है। अभी वो बाहर हैं और उनका ट्वीट भी आ चुका, उनके फेसबुक पेज पे भी उन्होंने पोस्ट कर चुके हैं। आएंगे, सब आएंगे, भारत का एक एक बंदा जो देशभक्त होगा वो इन बेटियों के साथ आएगा। देश का किसान हो, देश का जवान हो, देश के पहलवान हो, चाहे किसान हो, जो कोई भी हो, चाहे युवा हो, महिला हो, सब आएंगे, क्योंकि दुखी सब है। और हमने पहले भी कहा था जब हम किसान आंदोलन में थे, हमने कहा था कि सब एक साथ आ जाओ वरना ये तानाशाह एक एक करके मारेगा और सबको एक एक करके परेशान कर रहा है, इसलिए सब इकट्ठे होकर एक साथ आ जाओ।